तो यानी लंबा जीने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है जो कि हमें बताई गई है जिस वजह से आज शायद क्लासेस भी चल रही है so है सो लेट्स फॉर आई थिंक बहुत टॉपिक निकाला और आई थिंक बुक के टॉपिक नहीं बता दिया कि ये बुक किस बारे में राइट right? तो लोगों को क्या लगता है एक मिथ है मैंने कहा ना हम एम्पावरमेंट में एक चीज बहुत यूज करते हैं मिथ वो मिथ क्या है कि जो लोग एक उम्र पे पहुंच गए उनको सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई सीख लिया है सीनियर क्यों कहते हैं राइट सीनियर का मतलब भी वो जिसको सबसे ज्यादा पता है और आप सीनियर को सिखाओगे इतनी जरूरत करोगे राइट सो so, यहाँ वाले सीनियर जो है बुक के अंदर या एम्पावरमेंट के अंदर उनको तो शायद ये पता है उन्होंने अपनी लाइफ अलहमदुल्ला चेंज होते देखी है बट वो लोग जो ज्यादा दुनिया में बाहर है शायद आप लोग अग्री करोगे इस बात से रेज योर हैंड कि ज्यादातर सीनियर सीखना नहीं चाहते राइट कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं मेरे साथ करेक्ट तो लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट क्यों इतना स्ट्रॉन्ग थॉट बना लिया है वो मिथ कैसे तोड़ी जाए या क्यों ये सोच लिया है नरगिस से शुरू करते हैं कि हमें सब आते हैं हम सीनियर हैं हमको सीखने की जरूरत क्या है इसको मैंने बड़ा कर दिया और मैं थोड़ा सा इनके लिए कलर कर देता हूँ नरगिस की स्पेशल रिक्वेस्ट पे सर्वाइवल फॉर फिटनेस इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ सबने सुना है देखा है समझा है राइट right? जंगल का कानून क्या था पुराने जमाने में जब इंसानों में भी जब इतनी सिविलाइज सोसाइटी नहीं थी जो ताकतवर होता था वो हमेशा जीतता है राइट तो चलो हम लिखते कि ये नाइनटीन हंड्रेड ए डी या 1400 हंड्रेड ए डी जब इस्लाम आया एट हंड्रेड बी सी जब इस्लाम नहीं भी था तब तब तो ये चीज़ बहुत वैलिड थी कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं रेज यू हैं जो, जो ताकतवर होता था वो खाना कमजोर से छीन लेता था ताकतवर होता था वो शिकार छीन लेता था ताकतवर होता था क्रोकोडाइल के बारे में मैं नेशनल जोग्राफिक में देख रहा था कि एक क्राकोडाइल दो क्रोकोडाइल्स की लड़ाई हुई और एक ने दूसरे क्रोकोडाइल का ये ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया नीचे का था ऊपर का तोड़ दिया और नेशनल जोग्राफिक ने कवर किया कि वो क्रोकोडाइल लिजर्ड से भी बुरी तरह से जिंदगी उसने अगले अपने चौदह पंद्रह साल गुजारे और भूखा मर गया क्रोकोडाइल भूखा मर गया कौन था डाल था चिपकली नहीं था राइट आपको क्या लगता है 2024 के अंदर ये खत्म हो गया हाँ, 2024 एडी है कौन बोलेगा इसके बारे में अशरफ रतानी नहीं।, नहीं दुनिया बहुत से है कोई मसला नहीं है हमारे पास सीनियर सिटीजन के इंस्टीट्यूशन है इधारे हैं हमें वो आगे जगह दे देंगे दुनिया में जीने देगी अगर हम कमजोर भी हैं तो मसला ही कि आज के जमाने में हम बात कर रहे हैं माइंड की ताकत ठीक है और इसीलिए हम आ रहे हैं बार बार घूम के इसी चीज के ऊपर जिसका नाम है चलो नर्गिस के लिए थोड़ा और अच्छा किया फोटो भी डालना शुरू कर दिया कलर के साथ ठीक है नरगिस मजा आ रहा है पार्टी को लो ने तो हमें समझ आया नहीं भाई हम कंफ्यूज हो रहे हैं फिजिकल ताकत की कोई जरूरत नहीं मैं एक बुक पढ़ा था बहुत अच्छी आई विल गिव यू द नेम ओरिजिन ऑफ सोल ठीक है किसी ने लिखी है लीजा ने और उसने बंदी ने बात की है कि सोल कहाँ से आया क्या आया मुझे उसको पढ़ते और सुल्तान नाचा का ओल्ड फरमान यार आया कि तुम तो अपने आप को पूछो कौन हो कहाँ से आये हो क्या आयो र और हम शायद बहुत दफ़ा कर भी चुके हो कुछ नहीं तो उसी वक्त फरमान पड़ा उसी तीस सेकंड में पूछा हो हमने हमने बोला नहीं यार कुछ नहीं मिलता इस सवाल के जवाब से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं रेज यू हैंड और लाइफ इतनी बिजी है बाद में पूछने का टाइम ही नहीं मिला अपनी सोल से सोल भी बिजी है बॉडी भी बिजी है पैसे तो बनाने ना राइट तो मकसद ये है कि आज के ज़माने में मेंटल एंड इमोशनल फोर्स सबसे बड़ी है कल तक मेंटल बहुत ज्यादा थी इसीलिए आईक्यू था आज चैट जीपीटी आ गया है तो आईक्यू तो खत्म ही हो गया ना भाई ठीक है अब तो अब से अच्छा अब तो चैट जीपीटी के अंदर ये भी आ रहा है कल में उसका नया चैट जीपीटी का वर्जन आ रहा है सेंसर डॉट ए आ रहा है राइट right? जिस पे गूगल काम कर रहा है वो चैट जीपीटी से भी दस गुना आगे क्योंकि गूगल तो नहीं बैठेगा ना चैट जी पी मस्क ले जाएगा तो बाजी उसने इतना स्ट्रॉन्ग इंजन बनाया है कि अब वो सेंसर्स लग जाएंगे आपके फ्रिज के अंदर आपके घर के अंदर हर जगह पे और वो आज से एक दो साल में हो जाएगा कि आपको जो खाना बनाना है ना आप उसको पूछो कि भाई मेरे घर में चार लोग हैं एंड एक को मीट ज़्यादा पसंद है एक को नट से एलर्जी है एक को ये करना है Uh, ये तीन स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं ये तीन वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करते हैं और मेरा बजट है तीस डॉलर में खाना दिन का बन जाना चाहिए ये हज़ार डॉलर मैंने महीने के डाल दिए मुझे फर्स्ट से लेकर थर्टी फर्स्ट तक का खाना क्या बनाना है उसका स्केड्यूल दे दो उसकी रेसिपी दे दो बेस्ट मैं इंडियन या पाकिस्तान या सिटी रखती हूँ और ये तीन कुक्स को यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ वो सब बना के दे देगा आपको आपको तीस दिन तक सोचने की जरूरत ही नहीं है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या होता है घर में खाने में क्या बनेगा यस और नो द लेडीज वुड लाफ राइट तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा फिर वो सेंसरी नैनो टेक्नोलॉजी जब फ्रिज में लग जाएगी तो ये भी बता देगा अच्छा नंबर टू काट दो नंबर सिक्स काट दो नंबर इलेवन काट दो बिकॉज फ्रिज में ग्रोसरी पड़ी भी नहीं है तो उसकी जगह मैं कुछ और बताता हूँ बनाने को राइट इतना इस मतलब इंसान की तो सोचने की जरूरत ही खत्म कर दी ना आप तो मेंटली जो थोड़ा बहुत सोच लेते थे आजकल तो आपको इंजिन या सिस्टम वो भी सोचना छोड़ देंगे राइट और अब टू बी ऑनेस्ट हम बाकी अपनी लेजीनेस देखें शायद आप लोग तो यूज नहीं करते बट मैं अपनी बात करूं जो हम थोड़ा बहुत लिख लिया करते थे अब आजकल यंगस्टर्स जो हैं ज्यादातर वो लिखते भी नहीं है वो चैट जीपीटी में चार पांच वर्ड्स डालते हैं लेटर आ जाते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके भेज देते हैं इतना हैंडीकैप बन गए हो आप राइट अगर आप यूज करते हो तो आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूं तो आज कंपनियां बात करती है ई क्यू की क्या ये बात नहीं है इसके ऊपर हम बुक्स पहले पढ़ चुके हैं? रेज योर हैंड यस और नो ठीक है तो नरगिस की ख्वाहिश पे कलर चेंज कर दें ट्वेंटी ट्वेंटी तक हम बात कर रहे थे मेंटल आई क्यू की सही माननों में कोविड के बाद ही सिस्टम बदल गया ना देखो दुनिया में मेन डेवलपमेंट कोविड के बाद हुई कोई भी बड़ा वाक्य होता है ना उसके बाद दुनिया बदल जाती है राइट चाहे गॉड फॉर बिट वर्ल्ड वार हो क्लाइमेट चेंज हुआ हो एक तरह का वर्ल्ड वॉर ही तो था क्या था राइट जिसमें एक तरफ दुनिया थी और एक तरफ नेचर खड़ा हुआ था ये सर नो राइट तो अब सही मानों में आप देखो तो लोगों ने सीखा कब हर मुश्किल के बाद आसानी है खुदा कहता है ना कुरान में तो मुश्किल के बाद आसानी है खुदा ने लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स बढ़ा दिए लोगों के भी जूम सीख लिया राइट ऑटोमेशन सीख लिया तो अब इसकी जंग है इसमें सर्वाइवल जो होगा वो दुनिया में रहेगा जो नहीं होगा वो रहेगा तो सही यू you नो know? क्योंकि दुनिया ज्यादा सिविलाइज हो गई है दुनिया ज्यादा एक तरह की केयरिंग हो गई है वो भी अच्छी सोसाइटीज में आप वापस अपने पुराने कंट्री चले जाओ और वहां भी रूरल एरिया चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कर रहे हैं लोग राइट तो हमारी बात इससे आई सिस्टम से समझ आई हमें कि लॉन्जिटिविटी बढ़ेगी जो हमें बहुत पहले बोल दिया गया था रिलीजन में और आज साइंस कह रहा है ये बुक कह रही है तो लोग इस बात से अग्री करते हैं कि उम्र बढ़ रही है यस और नो राइट तो उम्र बढ़ रही है तो कंटिन्यूंग एजुकेशन लेना लाजमी हो गया येस और नो राइट यानी अपना टाइम वेट करके और मजीद स्ट्रेस में डिप्रेशन में घुटते हुए मरने की बात नहीं कही है बल्कि इस टाइम को एजॉय करो इस टाइम को यूटिलाइज करो हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं दो साल से बट आज तो एक नया एंगल इसमें आया है कि भाई अगर तुमने नहीं किया तो दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ के बहुत आगे बढ़ जाएगी और इसमें तुम्हारे अपने भी होंगे तुम्हारे अपने नहीं भी होंगे और तुम बोल नहीं सकोगे किसी को कुछ बिकॉज फिजिकल लड़ाई तो दिखती है ना मेंटल लड़ाई इमोशनल लड़ाई तो दिखती भी नहीं है और नो कितने लोग इस बात से एग्री कहते हैं कितने लोग समझ रहे हैं जो मैं ये बात कह रहा हूँ रेज यू हैं सही है तो द ओनली थिंग दैट विल सेव यू यार तुम देखो मतलब इसको कहते हैं ट्रू सुबह नला निकलता है मतलब तो तो हमें कितना बड़ा विजन दे जाता है हमारा लीडर इसको बचाने का एक ही तरीका है कीप ऑन एजुकेटिंग योर और भी क्लियरली बोलता है स्कूल के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा कॉलेज के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है यूनिवर्सिटी की भी बात नहीं कर रहा फिर एक जगह लिखता है मैं भी कंटिन्यूंग एजुकेशन लेता हूँ बट मजाक में कहता है मैं नहीं बताऊंगा मैं क्या पढ़ता हूँ तुम, तुम पढ़ो ठीक है तो क्यों कहता है एटी ईयर्स की लेडी को जो बीमार बैठे हुए सासू माँ के नुस्खे दादी माँ के नुस्खे पचासों प्रोग्राम आते थे एक जमाने में आज भी शायद कुछ लोग सुनते हो टाइम खत्म हो गया उसको बोला छोड़ो वो नाइन में लोग करते थे नाउ यू यू आर अ सीनियर नीड टू बी डिफरेंट जिस तरह आपके जो दुनिया में लोग नहीं है सीनियर थे आप उसको कॉपी करोगे ना तो दुनिया में सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा कितने लोग इस बात से अग्री करते राइट right? अब देखो उसने जहाँ मुश्किल दी है ना वहाँ उसने सोल्यूशन भी दिया है एज के साथ जो होता है ना आपका बॉडी का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं ठीक है तो जब एज के साथ आपका बॉडी का स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तो आप जब तो किसके के बोलने पे एक और स्ट्रांग फोटो डाल देते हैं अपन पर... कॉपी पेस्ट नहीं हो रही लेकिन ये फोटो नजर आ रही है दिख रहा है आप लोगों से उम्र में बड़ा लग रहा है छोटा लग रहा है ठीक है वैसे ही सारी लेडीज बैठी हुई है तो ऑब्वियसली छोटा ही होगा जो बराबर भी होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं दस साल तो बड़ा ही है मुझसे राइट यस सर नो क्या कर रहा है लाइट वेट लिफ्टिंग कर रहा है राइट right? आजकल कल फोर्टी के एज में बोला जाता है कि पुट सम डंबल्स ऑन योर बॉडी उससे बॉडी की बोन रीजनरेशन बढ़ जाती है सुना है आप लोगों ने यह बात यस और नो हो सकता है बहुत ने नई हो राइट सो वेट लिफ्टिंग और डंबल लिफ्टिंग डज नॉट मीन यू टू बिकम सलमान खान और रॉनल्ड शाह लेकर ये दस किलो पांच किलो तीन किलो उठा रहा होगा बट उससे आपकी बॉडी में पोस्टोपोरेसिस खत्म हो जाता है ठीक है जो बोन ब्रिकलिंग या बोन ब्रिकनिंग शुरू हो जाती है वो खत्म हो जाती है अब ये कब करोगे ठीक है जो भी जहां भी रहते हो माशाल्लाह अफोर्ड ट्वेंटी डॉलर थर्टी डॉलर डम्बेल या लोगों के हाउसेज में होगा परवीन ने तो अभी से शुरू कर दिया अभी नहीं परवीन थोड़ी देर बाद लेकिन ये यू कैन अफोर्ड दैट राइट येस और नो ठीक है अब अगर आप लोगों ने कंटिन्यूंग एजुकेशन सीख लिया मगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर कोई फायदा है तो कोई फायदा नहीं है सो so, कितने लोग इसको लिख रहे हो मतलब पूरा कहानी लिखने को नहीं लेकिन दो तीन काम की बात है गुड सो नवीन ने ने शरीफा ने रेज किए हाथ बाकी अशरफ भी कर रही है जो वीडियो ऑन करके बैठा है वो एटलीस्ट लिख रहा है ठीक है पांच छह लोग अब बहुत सारे लोग हमारे जूम वैसे ऑफलाइन भी देख रहे हैं अल्हमदल्ला बट द थिंग इज के जब तक लिखा नहीं होता ना तब तक होता नहीं है जिंदगी में ठीक है तो अभी सारी सारी की सारी स्क्रीन मैं अपनी खुद ही खराब कर सकता हूँ शुक्र है वो जो दूसरे लोग आ गए थे ना मेरे वाइट बोर्ड पे वो हट गए ठीक है तो अब हमने सीखा क्या अब हमने सीखा बहुत सारी मिथ जो कल के जमाने तक सीनियर से एसोसिएटेड थी ना कि नहीं भाई मैं तो जिम में जाऊँगा तो मेरी तो हड्डी दिखे सक जाएगी ना ये हो जाएगा वो जाएगा अभी भी आप सीनियर को बोलो ना ऐसी सुनने में मिलेंगी बात येस और नो वेरी ऑनेस्टली जमाना उल्टा हो गया है जमाना बोलता है अपनी फिटनेस पे ध्यान दो ताकि बॉडी में बीमारियां कम हो ठीक है टॉक्सिन बढ़ जाते हैं सीनियर्स के थोड़ी दौड़ लगाना जरूरी है ठीक है इफ़ यू आर अ हार्ट पेशेंट ब्रिस्क वॉक करो देखो इमाम है सेट अबाउट ब्रिस्क वॉक हो सकते हैं इमाम बोल सकते थे दौड़ लगाओ यू नो आज मेडिकल साइंस बोलती है भागो इफ यू हैव लॉर्ड ऑफ एंगर फ्रस्ट्रेशन है डिप्रेशन है जाओ जाके एक राउंड भाग के आ जाओ ठीक है बट इमाम सेट ब्रिस्क वॉक शायद इसलिए कि यार मुझे सीनियर भी सुन रहे हैं ऐसा नहीं वो दौड़ लगा उनका हार्ट पकड़ के बैठ गया इसलिए मैं ने बोला तेज़ वॉक करो राइट यू रीड एट मेमोरीज ऑफ आ खान तो कंटिन्यूंग एजुकेशन हमें फिर वही बात आ गई सिर्फ बॉडी की बात नहीं सिखाती हेल्थ की भी बात सिखाती है और सोल की भी बात सिखाती है ठीक है तो अब आ जाते हैं ये सर्वाइवल फॉर फिटनेस रहने के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है ये बात आज हमें लॉन्जटिविटी इम्पेरेटिव से समझ आ गई और इम्पेरेटिव का मतलब हमने जो निकाला वो ये निकाला कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन के, के बगैर अब हमारा गुजारा जरा भी नहीं है ठीक है और आपकी जो भी एज है अपने पास पेपर में लिख दो ठीक है लिख दो एक मिनट के लिए लेट्स डू अ क्विक एक्टिविटी ठीक है लिख दो अपने पेपर पे समझो राउंड ऑफ हंड्रेड की एज आपकी ऊपर वाले ने लिखी हुई है ठीक है तो बहुत सारे लोग बोले नहीं 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 राइट तो क्या पता 120 लिखी हो कल परसों मैंने समर सुनी किसी की की माशाल्लाह राइट हो सकता है एट्टी भी हो हो सकता है सिक्सटी हो चौबीस साल के बच्चे मर जाते हैं बट आपको नहीं पता ना ये भी सरप्राइज दिया ऊपर वाले ने राइट क्योंकि तो तुमको पता है ना अगले साल तो तुम अभी से छोड़ के बैठ जाओगे कि छोड़ो ना यार अभी बारह महीने तो बाकी पार्टी करने दो राइट तो समझो हंड्रेड की एज से आप कितने छोटे हो आपको इतना टाइम इसी बॉडी के साथ गुजारना है अब आप क्या करोगे रिवर्स इंजीनियर करो समझो अब आप सिक्सटी नाइन हो आपके हिसाब से आपने हथियार दुनिया में डाल दिया नहीं यार बहुत जी लिया भाई खल्लास ठीक है मेरा तो वो जानने वाला था वो सेवेंटी वन में चले गया वो तो सिक्सटी वन में चले गया वो तो एट्टी फाइव में चले गया आपने सोचना शुरू कर दिया उल्टी गिनती ठीक है ऊपर वाले ने आपके पास दिए हुए थे सौ साल अब आपने बोला अरे भाई ये भी निकल गया दुनिया से ये भी निकल गया मेरा ही नंबर नहीं आ रहा मेरा ही नहीं आ रहा मेरा ही नहीं आ रहा हाथ पैर भी नहीं चल रहे यू नो ये भी करा दिया वो भी करा दिया गाड़ी का रेडिएटर भी बदल दिया कैटेलिटिक कन्वर्टर भी बदल दिया सारी तरह की सारी चीजें हो रही है अभी भी गाड़ी एक्सपायर नहीं हो रही राइट तो अब आपको नाइन्टी पे जाके ख्याल है नहीं भाई मैं तो सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन करते करते नाइन्टी तक तो आ गए राइट या नाइन्टी तक तो आ गया अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा राइट तो आपने ट्वेंटी वन साल वेस्ट कर दिया ना यस और नो हाँ और नाइन्टी पे भी अगर आप सोच रहे हो कि यार अब बारी आएगी अब बारी आएगी मगर आपकी बारी तो सौ पे लिखी थी तो दस साल आपने और वेस्ट कर दिया येस और नो तो टेक्निकली आप देखो ठीक है ऊपर वाले को पता है बट जिंदगी का वन थर्ड हिस्सा था अर्ली चाइल्डहुड यूथ में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में राइट वन थर्ड हिस्सा था हार्ड वर्क में जिसमें आपने फैमिलीज रेस की इकोनॉमिकली लिफ्ट किया रोटी कपड़ा मकान बनाया घर क्रिएट किया प्रॉपर्टी बनाई जो बनाया यस यसर नो अब आपके पास टेक्निकली वन थर्ड भाई अभी भी बाकी है वाई आर यू फीलिंग में टेन परसेंट पे खड़ी भी हुई या खड़ा हुआ आपके पास वन थर्ड पूरा बाकी है तो क्या आपको लगता है कि उस वक्त जो मैंने मेहनत की पढ़ाई की लाइफ में एम्स बनाए गोल्स बनाए इंस्पिरेशंस बनाए अब जरूरत नहीं है अभी भी बन बनकबाप आधा खाया है आधा खाना बाकी है लुक लाइक दिस इज अ बर्गर हैम बर्गर राइट आपने आधा खा लिया है आधा बाकी है तो क्या आधा छोड़ के चले जाओगे पैसे तो पूरे के दिए यस और नो मैं आपको देसी को देसी के तरीके से सिखा रहा हूँ राइट right? <coughs> देसी को जो ना कहते ना देसी कौन होता है बोलते देसी वो होता है जो फ्री को भी नेगोशिएट करता है कि यार फ्री तो ठीक है लेकिन और कितने पैसे कम हो जाएंगे इसमें राइट right? तो हम लोग बोलोगे इसमें हम लोग को वसूल करने के उसमें सिखाओ ना हाँ अब समझ आए मेरे को अब काम की बात की फरीद भाई ना राइट जिंदगी को वसूल करना है आधी जिंदगी तो बाकी है तो अब उसको वसूल करना कैसा है लेट्स स्टिक टू दिस वर्ड वसूल बिकॉज़ दैट्स अ पॉजिटिव वर्ड राइट जीने की बात हो रही है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने की बात हो रही है ठीक है लेट्स टेक ऑडियंस पोल क्या लगता है अभी 1/3 बाकी है हमने इतनी सारी कहानी बनाई आप लोग के अपने उसूल क्या है एंड शी हेल्प मी रिकॉल ऑफ द डेज जब मैंने जिम के साथ जूमबा ज्वाइन किया था और हमें लगता है कि बहुत बिजी हूँ मुझे भी लगता है मैं बिजी हूँ सबको लगता है यू नो बल बिल गेट्स ये कहता है इफ़ यू वांट द वर्क टू बी डन गिव इट टू द बिजिएस्ट मैन जो बिजिएस्ट आदमी होगा ना जिंदगी में वो काम कर देगा राइट right? तो आप मैं हम सबको लगता है हम सब बिजी है बट यार हम किसके लिए बिजी हैं अपने आप के लिए बिजी है क्या हमें आप हमारे पास अपने आप के लिए टाइम नहीं है क्या राइट और आप सोचो ये सारी ख्वाहिश जो एक जमाने में थी इंडिया पाकिस्तान में अफ्रीका से जो लोग आए उस जमाने में जब आप यूथ एज में थे हो सकता है आपको स्विमिंग का शौक चढ़ा हो यस और नो वहाँ स्विमिंग पूल मिलता था आपको ठीक है वहाँ इतनी सी जगह में तो दो बिल्डिंग बना देते हैं स्विमिंग पूल की जगह में राइट राइट यहाँ पे मिल जाता है जहाँ भी जाना चले जाओ अपार्टमेंट में चले जाओ कम्युनिटी में चले जाओ हाउस में चले जाओ कोई रोकने वाला नहीं है ये और नो पैसे कितने लगते हैं इतने के आप दे सकते हो बीस डॉलर तीस डॉलर दस डॉलर की मेंबरशिप सीनियर so और भी सस्ती मिल जाती है राइट right? तो कौन रोक रहा है वो सारी ख्वाहिशात पूरी करो लेट्स क्लैप फॉर नर्गिस आई थिंक यू मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ना सिर्फ आपकी बॉडीली स्ट्रेंथ बढ़ेगी बट आपके अंदर एक फन का एक्टिविटी आएगा राइट right? आपके अंदर आपको वो सारी जो हम बहुत दफा बात कर चुके हैं वो सारी चीज लिखो जो कि आपको करनी थी एक जमाने में और हो सकता है आप उसको सोच के शायद आपको याद आता भी बोले नहीं यार अभी मेरे बस की बात नहीं है क्यों बस की बात नहीं है आई थिंक नरगे से अच्छी एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता क्लाफ और तो ये तीन चीजें आज की क्लास से टेक आउट आ गया है जो आप कर सकते हो यस और नो चलो ये तो वो लोगों की बात थी जिन्होंने कहा कि उनका माइंड सेट उनके साथ है माइंड सेट ही की बात की ना परवीन ने आसान जबान में बोले तो राइट मेरा माइंड सेट क्या है कि मुझे कोई आके हंसाएगा तब मैं हंसूंगा तब मैं खुश होऊंगा मेरे पास कोई खुशी आएगी अब वो खुशी आपको बोलो क्या है तो बोले यार जब मुझे लॉटरी लग जाएगी मिलियन डॉलर की आप तब भी खुश नहीं होगी ट्रस्ट में आपके लिए इतना बड़ा टेंशन होगा कि अला खर्च कैसे करना है मेरे को किसको देने किसको नहीं देने इतने सारे लोग आ जाएंगे जो पहले बुलाते भी नहीं थे राइट अब उनको संभालूंगे ये संभालू फिर आपकी वापस मेमोरीज आ जाएगी अच्छा पहले तो ये बुलाता नहीं था अभी मिलियन डॉलर के बाद आ गया आपकी जिंदगी और बेटर हो जाएगी अच्छी की जगह तो इसलिए आपको दुआ करो कि मिलियन डॉलर लॉटरी ना लगे आप दुआ करो मुझे लग जाए ठीक है तो उससे क्या है कि टेंशन आपके पास नहीं आएगी ठीक है तो पहला सोल्यूशन तो मिल गया जोक सा पार्ट ठीक है तो हैप्पीनेस को आएगी करके वेट करना छोड़ दो हैप्पीनेस क्रिएट की जाएगी ठीक है अब आपके पास दस किलोमीटर एन आवर की एनर्जी है आप पुरानी बाइक हो गए हो फिफ्टी या आप हार्डले डेविडसन हो तीन सौ किलोमीटर एन आवर तक भाग सकते हो ठीक है चौबीस साल के जवान हो बाइक तो बाइक होती है ना कभी ना कभी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी यस और नो कितने लोग इस बात से एग्री करते हो तो अभी आज नरगिस अगर सोचे वो भी बहुत सारी हार्डशिप्स लगाई है और उसने अपने हार्डशिप्स बताई है बहुत सारे लोगों ने और किए राइट ये मत सोचना कि शी डिसाइडेड जिम डांस स्विमिंग बहुत आसान होगा बहुत सारे फ्लैशबैक बैक आती होंगी यस और नो राइट अब ले लो इस तरफ एक सीनियर जिसके पास शायद कुछ जिंदगी में इतना खास हुआ भी नहीं है बट उसको लगता है कि यार मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है हर आदमी को लगता है यस और नो तो नरगिस जब स्विमिंग करने जाएगी डांस पे जाएगी तो वो माइंडसेट से जाएगी कि मैं खुश होने जा रही हूँ ठीक है अब किसी के बच्चे शायद उनको सुन रहे हो

आपको क्या लगता है बाकी दो लोग खुश होकर आएंगे कि उसको एज ए जबरदस्ती लेंगे जबरदस्ती लेंगे उनको लगेगा यार एक और हेड डाल दिया आए कंप्यूटर क्लास एक और हेड एक ओ एक और हेड एक स्विमिंग क्लास तो तुम लोग यार मजे की जगह को भी हेड ले रहे हो तुम घूमने जाने को भी हेड लग रहे हो ओ मैं तो थक जाऊंगा थक जाऊंगी अरे इंजॉय तो करो आके बोलना ना थक गए ठीक है तुम जाने से पहले ही बोल जाओ थक जाऊंगा थक जाऊंगी यस और नो तो थकना इज अ माइंड सेट मैं इंजॉय करूंगा इज अ माइंड सेट और मैं वापस घुमा के उस पॉइंट पे लाऊंगा खुदा की फोर्स में और दूसरी डेविल फोर्स में फर्क किस चीज़ का है वो लोग जो जिंदगी में बड़े बड़े काम करके गए और जो जिंदगी में बेकार चले गए दोनों में फर्क क्या किया एक पॉजिटिव रहा एक माइंडसेट में रहा कि कोई बात नहीं फेल हो गया दुकान जल गई उस बंदे ने बोर्ड लगाया शॉप इज ऑन फायर बट होप इज अफ शॉप विल ओपन याद है वो कहानी हमने पढ़ी थी और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस वगैरह सब आ गए थे जहाँ पे भूकम आया था यू नो सो माइंडसेट है कि मैं पॉजिटिव हूँ मैं एंजॉय करूंगा ऊपर वाला मेरी मदद करेगा मैं वापस अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा मेरी हेल्थ वापस आ जाएगी मैं वापस खुश हो जाऊंगा मेरे पास वापस दोस्त आ जाएंगे दैट्स अ माइंड लेकिन यार मैं कुछ नहीं कर सकता थक गया थक गई इसमें आपकी हेल्प कोई भी नहीं आप रिमेम्बर करो हमने एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें जो, जो जमाने के प्रॉफिट्स थे राइट उसमें से एक प्रॉफिट डर के छुप के भाग रहा था क्योंकि प्रॉफिट्स को खुदा ने ब्लेस किया कि खुदा उनसे बात करता है उस प्रॉफिट को खुदा ने बोला तुम मुझे नाम ही आधार है उस प्रॉफिट का खुदा ने बाकायदा उस, उसको शोर करके बोला तुम वो नहीं हो जिसको मैंने जैसा भेजा था तुम क्यों भाग रहे हो तुम वॉरियर पैदा हुआ उसने बोला नहीं नहीं खुदा क्या हो गया तो मैं तो डर गया इतनी सारी लड़ाई हो रही है मैं तो जाके टुकड़े के पीछे छुप गया तो वापस वो छुप गया वापस खुदा ने बोला फिर खुदा ने उसको ऐसी पोजीशन में डाला कि अब उसको लड़ना पड़ा अपने घर वालों के लिए तब उसकी वॉरियर की स्ट्रेंथ बाहर नजर आई तो देखो होता क्या है एक बुक है जिसका नाम है वाई गुड थिंग बैड थिंग टू गुड पीपल अच्छे लोगों के साथ कभी कभार बुरा क्यों हो जाता है क्योंकि वो खुद नहीं सुधरते इसलिए ऊपर वाले को सुधारना पड़ने आना पड़ता है ठीक है तो जब ऊपर वाला सुधारने आता है ना तो टफ हो जाता है जैसे वो प्रॉफिट की बात ले लो खुदा ने वॉरियर पैदा किया था दो तीन दफा खुदा ने मैसेज भेजा क्योंकि वो प्रॉफिट है सुन सकते हैं हम लोग नहीं सुन सकते राइट हम लोग रिलीजियसली इतने स्ट्रांग नहीं है तो हमें भी लाइफ सिखाती है कि उड़िया इस चीज के लिए नहीं बना बैठने के लिए नहीं बना लेजी होने के लिए नहीं बना टाइम वेस्ट करने नहीं बना बहुत सारी ब्लेसिंग है अमेरिका कैनेडा में सारी चीजें घर बैठे बैठे मिल रही है पानी गर्म करने नहीं जाना पड़ता एयर कंडीशन चल रहा है बाहर नाइनटी हंड्रेड डिग्री है तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है सब दिया खुदा ने यस और नो रेज यूर हैंड्स दूसरी जगह पे जाके देखो ब्लेसिंग्स नहीं है लोगों के पास उस पर लोड शेडिंग हो जाती है राइट तो आपको क्या लगता है कि आपको खुदा ने इतना पार्टी मोड में डाल दिया अब आप और लेजी होके बैठे रहोगे और वो देखता रहेगा राइट तो या तो उस प्रॉफिट की तरह दो दफ़ा प्यार से बोला फिर ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि घर वालों को बचाने के लिए लड़ना पड़ गया ठीक है तो जो ऊपर वाले ने कराना है वो तो कराएगा ही या तो इंसानों की तरह कराएगा या लड़ झगड़ के करवाएगा राइट तो बहुत सारे अब लोगों को देखो जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं और लंबे बैठे आते हैं बेड पे जाके तो सोचना शुरू करते हैं और फिर लाइफ चेंज हो जाती है चाहे वो कैंसर से निकल कर है आप जितनी देख लो सर्वाइवल स्टोरीज ये कुदरती आफतें क्यों आती है आपका माइंडसेट बदलने के लिए आती है ठीक है तो जो आपने बात की ना प्रवीण, वो ये है कि माइंडसेट ऑब्वियसली नॉलेज से ही बदला जाता है अब उनको ये कोई बताएगा जैसे हमको ये समझ आ रही है आज किताबें पढ़ के या बुक्स पढ़ के या डिस्कशन से लेकिन आप तो उनको बता सकते हो ना ना आप जो बीस पच्चीस सौ लोग हो जो मोटिवेट हो रहे हो वो ये काम नहीं कर सकते क्या राइट right? आप ही के अपने दोस्त आप ही के अपने जानने वाले जो आपकी तरह खुश नहीं है या एजुकेशन उनकी नहीं है या तो उनको क्लास में ले आओ या तो यही क्लास उनके लिए आप क्रिएट कर लो और क्लास कैसे क्रिएट होगी पांच लोगों को खाने पे बुला लो फोन पे ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप कॉल कर लो दो चार मोटिवेशन की बातें कर लो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है अच्छा लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं करना है बैठे रहना है वेट कर अब हमेशा देखना लोग आपकी फ्रेंडशिप पसंद करना शुरू करेंगे पीपल विल स्टार्ट लविंग यू बिकॉज उनको आपसे बात करके मजा आएगा उनको लगेगा हाँ यार निर्गेस अशरफ शरीफा से जब भी बात करते हैं ये बड़ा पंप कर देते हैं बड़ा मोटिवेट कर देते हैं वर्सेस वो लोग जो और आपको लेट डाउन करते हैं ना लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं क्या मैं सही कह रहा हूँ रेज योर हैंड्स यस और नो ठीक है <laughs> तो और इसमें मुझे मौला अली का कॉल याद आ गया दैट पीपल वुड स्टे विद यू फॉर टू रीजनस ये बहुत इंपॉर्टेंट है शायद मैंने पहले भी बोला हो क्या दो रीजनस है पता है आज की मीन सोसाइटी में जब लोग इवेल्युएट करते हैं कि मुझे किससे बात करनी है किस से नहीं करनी है किसको दोस्त रखना है किसको नहीं रखना है येस और नो हम बड़े कैलकुलेटेड लोग हैं डू यू अग्री विद दैट येस और नो राइट सुपर द विजडम ऑफ इमाम अली आज के ज़माने में लोग आपके पास दो ही वजह से रहेंगे या तो आप उनको ट्रेन करो या तो आप उनसे प्यार करो ठीक है तो अगर आप पेरेंट्स हो और आज आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं हो लेकिन वो आप आज आज आपको पसंद करते हैं आपको वैल्यू करते हैं कभी कभार उनकी फाइनेंशियल भागदौड़ में आप उनसे ज़्यादा डिमांड कर लेते तो फिर भी आपकी बात सुन लेते हैं क्यों क्योंकि कल आपने उनको लव किया था सैक्रीफाइस दिया था आज वो आपके लिए कर रहे हैं ये बात समझ आती है आज भी दो में इसकी वैलिडिटी नज़र आती है येस और नो राइट दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है लव से ज़्यादा वो ट्रेन करना है अब ट्रेन हम अपने दोस्तों को भी पढ़ते हैं पता है आपको ये बात हम ट्रेन अपनी फैमिली को ट्रेन करते हैं अब आप इसको संस्कार कह लो कल्चर कह लो एजुकेशन कह लो बट दिस इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इज एक्चुअली कंटिन्यूंग एजुकेशन के भाई आप एक जिंदगी गुजार रहे हो यू लिविंग इन एवरीडे लाइफ और इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए वट डज रिलीजन से टू ओवरकम दिस वॉट डज माई ओल्ड नॉलेज से व्हाट डज माई एनसेस्टर से हमारे बड़े बूढ़ों ने क्या कि की ऐसे सिचुएशन में दुनिया की बेस्ट थिंक टैंक क्या कर रहे हैं लोग इस सिचुएशन में क्या करते है कुछ भी नहीं आता गो एन हायर अपर ठीक है बाहर जाके ऐसे लोग ढूंढो जो आपकी चीज में सक्सेसफुल है और उनसे बोलो क्या मेरी मदद कर सकते हो मैं फंसा हुआ नाइन आउट ऑफ टेन टाइम्स देस मैं बात सही कह रहा हूँ रेज यूर हैंड यस और नो हम मेंटोरशिप लेना नहीं चाहते क्योंकि हम किसी के सामने झिझकते हैं हम हमको लगता है कि यार हमको सब पता है और ये हमें क्या बताएगा राइट right? <laughs> लेकिन डिस्क्लेमर कि उससे जाके पूछना है जो खुद उस चीज का माहिर हो ठीक है किसी भी एरे गहरे से जाके नहीं पूछना है सो so दैट्स हमने बुक के तीन पॉइंट कवर कर लिए एक पॉइंट था रीडिफाइनिंग एज इन लाइफ ठीक है तो हमने बात की कि रिडिफाइंड एज और लाइफ को कैसे किया कि लाइफ की जो स्टेजेस हमने बात की वन थर्ड चले गया गुजर गया बाकी है ये वन थर्ड जो बाकी है ना उसको किस तरह आप अपना माइंडसेट बेहतर करोगे उससे अच्छा मेडिटेशन एंड रीडिंग खुदा ने कुरान में पहला अल्फाज क्या यूज़ किया है एक रब खलक पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे जमे में कून से पैदा किया खुदा पहला वर्ड लेगा वो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये और नो पूरी बुक की जिसने शुरुआत जिस वर्ड से की जिस वर्ड से की वो वर्ड में दुनिया की सीक्रेट मौजूद है और उस सीक्रेट को दुनिया वालों ने बोला है रीडर्स आर लीडर्स आर Readers. और आपकी बी के शिवानी ने भी क्या बोला सोने से पहले कि पढ़ के सो जाना ठीक है तो पढ़ने में खुदा ने क्या ताकत रखी है आप पर मैं क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त इम्पावरमेंट में किताब पढ़ रहे येस और नो राइट नाउ द प्रॉब्लम इज अलहमदुल्ला वी आर वेरी इंटरक्टिव बिकॉज हम किताब को बोरिंग बना के नहीं पढ़ते अभी अगर मैं पेज पढ़ना शुरू कर दूँ और उन्होंने बताओ बच्चों क्या पढ़ा तो ये तो चार लोग सो जाएंगे और ये जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे राइट सो वी नेवर टॉक अबाउट दैट हम लोग चीज को उठा लेते हैं और डिस्कस करना शुरू करते हैं हम स्टोरी की तरह बात करते हैं तो दुकान चल रही है अभी तक राइट right? मगर जो सबसे बड़ा जो आज समझ आया ना लॉन्जिविटी इम्पेरेटिव में डांसिंग करो नहीं करो शौक है जिमिंग करो नहीं करो स्विमिंग करो नहीं करो बट यार ये चीज मत छोड़ो ठीक है और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी ला ठीक है अब पढ़ने का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ इस्लाम सूफीज्म मेडिटेशन क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि सीनियर हो गए तो बस जिंदगी में भी यही बच गया राइट रीड अबाउट डिफरेंट कंट्रीज देखो यूरोप क्या है ठीक है अफ्रीका क्या है कैसे बना यूएस कैसे आया ठीक है आपको जब नॉलेज हो जाएगी ना आप आपने समझो छोटा सा आप नहीं पढ़ सकते ना आज के ज़माने में पढ़ने के और भी तरीके आ गए यूट्यूब आ गया राइट आप यूट्यूब में जाके लिख दो आपको इतने अच्छे अच्छी कार्टून एनिमेशन दिखेगी कि यूएस कैसे बना क्रिस्टोफर कोलम्बस घुम गया था यहाँ गया वहां गया वहां गया फिर अचानक उसको अमेरिका दिखा फिर उसने क्यों यूएस को चूज किया अब ये इन्फॉर्मेशन के साथ आप दस लोगों में बैठ जाओ आपसे संभाला नहीं जाएगा इतना नॉलेज आपके दिमाग पे ना आप पढ़ 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 बोलना शुरू करोगे और सामने वाले को आप ऐसे मारना शुरू करोगे ना नॉलेज के फायर और बोलेगा अड़े वाह भाई अशरफ वर्तानी को तो इतना पता है अब आपने कुछ और पढ़ लिया अगले हफ्ते ठीक है आपने वापस फायरिंग शुरू कर दी अगले हफ्ते कुछ और पढ़ लिया आपने इतनी फायरिंग की कि आप जिन लोगों में उठ रहे बैठ रहे थे जो लोग आपसे हैंड शेक करके कहते थे वो के खुदा फसया मदद व्यार डन वो बोले नहीं यार मजा आ रहा है अचरफ बताओ कब मिलना है वापस ठीक है क्योंकि हमने क्या बात की थी लव कर लो या तो ट्रेन कर लो ट्रेन कब करोगे जब खुद रीड करोगे तो ट्रेन करोगे ना भाई तो सोल्यूशन के साथ बात की है येस yes no? और नो और इंसान को चाहिए क्या इर्द गिर्द लोग चाहिए जो उससे बात कर सके जो उसको इज़्ज़त दे और उसको इम्पोर्टेंस दे और उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म क्यों हो गई है क्योंकि वो रिटार्डेड हो गया ना उसके पास ना ब्रेन बचा ना हेल्थ बची तो इस उम्र में हेल्थ तो चलो ऊपर वाले ने दी है यू कैन डू लिमिटेड टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ बट उम्र के साथ आपका ब्रेन ख़त्म नहीं हुआ है हाँ मेमरी पावर और ब्रेन अलग चीज़ आज के जमाने में मेमोरी पावर की जरूरत भी नहीं है चैट जीपीटी आ गया कल स्कूल्स में भी रेटाफिकेशन खत्म हो जाएगा येस और नो राइट लेकिन सोचने की ताकत आपकी बच्चे से ज्यादा है इस बात पे आप ट्रस्ट रख लो बिकॉज आपका दिमाग सिक्सटी ईयर्स पुराना है और उसका दिमाग सोलह साल पुराना है आपने बहुत सारी जिंदगी की हलचल देखी है वो अभी शुरू हुआ है तो जो सिक्सटी 60... आप देखो जितने भी बड़े इन्वेंशन हुए ना के जिसने बनाया वो कितनी साल का था आप लोग की उम्र इससे कम लग रही है दूसरा सवाल ठीक है ऑब्वियसली लेडीज अर आउट देर कम ही होगी आप दस पंद्रह बीस साल छोटे हो गए आपको लगता है इसने जब बनाया होगा तो इसकी बॉडी में एनर्जी आपसे ज्यादा होगी कम होगी या कोई सुपर मखलूक था दुनिया के हर मुल्क की हर शहर में एक ब्रांच होगी ये बंदा क्लेम करता था राइट आई डोंट नो इफ और नॉट बट किस उम्र में दुनिया को हिला के गया और ऐसी कितनी स्टोरीज है आप लोग इस बात पर ट्रस्ट करते हो येस और नो तो आपको ये समझ आ गया कि भाई जो लाइफ का इम्पेरेटिव था ना स्टेजेस थे अगर आप ये सोच के बैठ गए कि नहीं यार ये वन थर्ड तो अल्लाह अल्लाह करने में निकाल जाएगा तो ना उस अल्लाह अल्लाह से शायद ऊपर वाले को कोई बेनिफिट होगा उसको तो वैसे ही कोई बेनिफिट नहीं उसके है उसके पास बहुत मखलूक है हाँ आपको कुछ नहीं होगा ठीक है तो कुछ ऐसा काम कर जाओ चाहे दुनिया के लिए कर जाओ चाहे अपने लिए कर जाओ चाहे घर वालों के लिए कर जाओ बट कर जाओ बिकॉज वन थर्ड बन कबाब अभी बाकी है ठीक है सो so पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त शाहरुख खान कहता है And with this, we close today's topic.